तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट डेब्रिस ही डेब्रिस है। एंड इस वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक फ्लैट वर्ल्ड है एंड यहाँ पे हम माइनिंग बिल्कुल नहीं कर सकते एंड साथ ही यहाँ पे ट्रीज के भी स्पॉन होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। एंड हमें ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव करना है 100 डेज वो भी हार्डकोर में, जहाँ पे मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए अपने लिए कुछ तगड़े वाले फार्म्स बनाने हैं, सेकेंड मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंसेंटेड नेथरेट का आर्मर बनाना है, थर्ड मुझे अपने लिए यहाँ पे एक प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बनाना है एंड फाइनली मुझे माइनक्राफ्ट के दोनों बॉस यानी कि एंडर ड्रैगन और वेदर को हराना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इन एन एंशिएंट डेब्रिस ओनली वर्ल्ड वो भी हार्डकोर में, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस खतरनाक से एंशिएंट डेब्रिस ओनली वर्ल्ड में एंड मेरे आसपास यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट डेब्रिस ही था एंड मुझे काफी अमीरों वाली फीलिंग भी आ रही थी। एंड जैसे मैंने अपने आसपास चेकआउट किया तो मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लाइम्स ही स्लाइम्स है जो कि अपने को चुटकियों में मार सकते थे एंड हमें एक सेफ प्लेस की जरूरत थी एंड इस वर्ल्ड में हमें सिर्फ और सिर्फ विलेज ही मिलने वाला था, इसलिए मैं यहाँ से सीधा निकल गया एक विलेज को ढूंढने के लिए। एंड इसी तरीके से गाइस काफी देर तक चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी एंड लिटरली विलेज काफी ज्यादा बड़ा भी था। विलेज में पहुंचते मुझे यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे से पिगी दिखे जो कि अगर हमें भूख लगेगी तो हम इन्हीं को मार के खा लेंगे। ये भगवान क्या जुलुम है। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम दिखा जिसके तो अलग ही तशन चालू थे क्योंकि इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लाइम्स की लाशें बिछा दी थी, बट टेंशन की कोई बात नहीं, इसकी लाश तो हम ही बिछाएंगे। बिल्कुल चुप। एंड तभी गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे खाने के लिए काफी सारे हेबल्स दिख गए एंड साथ ही गाइस मैं यहाँ पे एक पहला ऐसा फ्लैट वर्ल्ड देख रहा था जहाँ पे काफी सारे ट्रीज थे, तो मैंने ऐसे कुछ ट्रीज को चॉप करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बना सकूं। एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने सबसे पहले अपने लिए एक वुडन की पिकैक्स और एक वुडन की हो बना लिया एंड उस वुडन हो की हेल्प से मैंने ऐसे एक एक करके सारे हेबल्स को बटोरना स्टार्ट कर दिया। बट तभी यहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स आ गए मुझ पर अटैक करने के लिए एंड उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट मैं जैसे तैसे करके यहाँ से बच गया और आगे की तरफ भाग गया। एंड उसके बाद एक सेफ सी जगह पे मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लगा के मेरे पास जितने भी हेबल्स थे उनका वीट बना के मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए जो कि मेरे लिए अभी के लिए इनाफ थे एंड उसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपनी हेल्थ को फुल कर लिया। एंड यहाँ पे कहीं और स्टोन था नहीं, मुझे स्टोन के टूल्स बनाने थे इसलिए मुझे यहाँ पे विलेजर के घर से कुछ स्टोन को चुराना पड़ा क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें कहीं भी स्टोन मिलने नहीं वाले थे, इसलिए विलेजर भाई सॉरी। एंड क्या पता भाई मैं किस जोश में यहाँ पे स्टोन को माइन कर रहा था, मैंने स्टोन को माइन करते करते भाई का पूरा घर ही खाली कर दिया, बेचारे की प्राइवेसी अब बची ही नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एंड विलेजर का घर उड़ा के मैंने जितने भी स्टोन्स को माइन किए थे उसके हेल्प से मैंने एक एक करके अपने लिए सारे टूल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ ही देर में यहाँ पे एक प्यारी सी सनसेट हो रही थी एंड अपना डे 1 भी खत्म होने वाला था, इसलिए एक विलेजर के घर में मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे काफी सारे एप्पल्स, पोटेटोज और कुछ और सैपलिंग्स मिल गए जो कि अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे मैंने यहाँ पे कुछ और विलेजर के घर को चेकआउट किया बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मुझे कुछ भी ऐसा ज्यादा खास सामान मिला नहीं। बट तभी लकीली मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल चुका था जहाँ पे काफी सारे बुकशेल्फ थे जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया अपने फ्यूचर की एंचेंटमेंट टेबल के लिए। एंड उसके बाद मैं ऐसे सारे ट्रीज को चॉप करने लग गया एंड इनकी लीव्स को भी तोड़ने लग गया ताकि मुझे काफी सारे सैपलिंग्स मिल सके क्योंकि ये एक फ्लैट वर्ल्ड है एंड यहाँ पे ट्रीज की काफी ज्यादा कमी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी मुझे सैपलिंग्स मिलते जा रहे थे उसे मैं लगाते जा रहा था ताकि अपने पास कभी भी फ्यूचर में ट्रीज की कमी ना हो। एंड उसके बाद एक विलेजर के घर पे ढाबा बोल के मेरे पास जो भी फालतू का सामान था इन्वेंट्री में मैंने उसे चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड अब बारी आ चुकी थी थोड़ा सा आयरन कमाने की यानी कि थोड़ी सी पिटाई करने की, इसलिए बड़े प्यार से ब्लॉक पे चढ़ के मैंने आयरन गोलम को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड लकड़ी थोड़ी सी पिटाई करने के बाद फाइनली इसने हमें 3 आयरन दे दिया था जो कि इस वर्ल्ड में अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि गाइस इस विलेज में तो कुछ ज्यादा खास सामान था नहीं, इसलिए मैं ऐसे सीधे निकल गया इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी लूट को कलेक्ट करके ला सकूं, इसलिए मैं ऐसे सीधा आगे की तरफ बढ़ने लग गया। एंड ऐसे गाइस मैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आया जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आया, बट जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे पता चले ये एक रूइन पोर्टल है। एंड लकीली यहाँ पे चेस्ट भी थी जिसमें से मुझे गोल्डन एप्पल, एक गोल्ड के बूट्स, काफी सारे गोल्डन नगेट्स एंड गोल्ड के टूल्स और एक फ्लिंट एंड स्टील भी मिल गया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि इस रूइन पोर्टल के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 4 ऑब्सीडियन की जरूरत है एंड हम इस रूइन पोर्टल को रिपेयर करके एक नेदर पोर्टल बना सकते थे। एंड ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एक और एक विलेज मिल चुका था जो कि अपने पुराने वाले विलेज से काफी ज्यादा बड़ा था। एंड तभी मुझे लेदर वाले भैया के घर में एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे कुछ ब्रेड्स, कुछ लेदर और एक लेदर की चड्डी मिल गई। बोलो क्या दिन आ गए, लेदर की चड्डी पहनना पड़ रहा है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टोन कटर मिल गया, मैंने उसको ले लिया। एंड तभी मुझे यहाँ पे
पे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे काफी सारे एप्पल्स कुछ और पोटेटोस और ब्रेड्स मिल गए। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि एक स्लाइम हमारा रास्ता रोक रही थी, हमें बाहर जाने नहीं दे रही थी। मैंने सबसे पहले उसको कूट दिया। एंड आगे मुझे पे एक और एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जहाँ से मुझे कुछ और बुक शेल्फ मिल गए जिसे भी मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड साथ ही मैंने यहाँ से एक लेफ्टन को भी कलेक्ट कर लिया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे भी एक आयरन गोलम भैया दिख गए, तो बड़े प्यार से फिर से ब्लॉक पे चढ़ के मैंने उन्हें पीटना स्टार्ट कर दिया। बट क्या पता तभी अचानक से यहाँ पे स्लाइम आ गया उनकी मदद करने के लिए। एंड उसने मुझे डायरेक्टली नीचे की तरफ धक्का दे दिया। वो तो अच्छा वो गोलम ने मुझे छुआ नहीं, वरना उनका छूना मेरे लिए भारी पड़ जाता। एंड जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने देखा यहाँ पे आयरन गोलम की लाश पड़ी हुई थी। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, बट अपने को तो आयरन से मतलब है। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक फ्लैशिंग टेबल मिल गया जिसे मैंने ले लिया। एंड तभी गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे काम के बंदे का घर यानी कि वेपन स्मिथ का घर मिल गया, जिसका घर थोड़ा सा जमीन के अंदर दबा हुआ था। एंड यहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसमें से गाइस लिटरली मुझे यहाँ पे काफी सारे ऑब्सिडियन मिल गए, 3 आयरन की लेगिंग्स मिल गई, 1 आयरन की स्वॉर्ड मिले, कुछ एप्पल्स मिल गए एंड 2 गोल्ड भी मिल गए। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक बकेट बना दिया। एंड यहीं से मैंने एक बकेट लावा को कलेक्ट कर लिया जो कि अपने को फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत और लूटपाट मचाने के बाद, थोड़ी बहुत और चीजें कलेक्ट करने के बाद, मैं फाइनली सीधा अपने विलेज में वापस आ गया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि अपने विलेज में यहाँ पे एक और एक आयरन गोलम आ चुका था यानी कि थोड़ा बहुत और आयरन, तो उसको मार के मैंने यहाँ से कुछ और आयरन को ले लिया। एंड उसके बाद मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड गाइस अपने पास जरा भी कोबलस्टोन नहीं था, एंड अपने को काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी क्योंकि हम फ्यूचर में काफी सारे फार्म्स बनाने वाले थे। एंड उसके लिए मुझे काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कोबलस्टोन जनरेटर बनाया जाए। एंड काफी मुश्किल के बाद गाइस फाइनली मैंने पानी और लावा डाल के अपने कोबलस्टोन जनरेटर को रेडी कर लिया। बट इसे मुझे ऑटोमेटिक बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेस्ट लगा दिया एंड इसके पीछे एक हॉपर लगा दिया जिसके हेल्प से मैं जो भी कोबलस्टोन माइन कर रहा था वो डायरेक्टली मेरे चेस्ट में आ जा रहा था। एंड कुछ ही देर में यहाँ पे रात हो चुकी थी। एंड यहाँ पे मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ मॉब्स ही मॉब्स थे जिनसे मैं पीटना बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होती गाइस मैंने कई दिन स्पेंड करके सिर्फ और सिर्फ काफी सारे कोबलस्टोन को माइन करने लग गया ताकि अपने को फ्यूचर में कभी भी कोबलस्टोन की कमी ना हो एंड अपने बाकी की बिल्ड्स हम इजीली बना सके। एंड ऐसे गाइस कई दिन तक कोबलस्टोन माइन करके जब मैंने अपनी चेस्ट को चेकआउट किया तो मैंने देखा मेरे पास काफी सारे कोबलस्टोन आ चुके थे जो कि अभी अपने लिए काफी टाइम तक इनाफ थे। एंड तभी गाइस मैंने डिसाइड किया कि अब अपने पास कोबलस्टोन भी आ चुका है तो क्यों ना अपने लिए तगड़ा वाला आयरन फार्म बनाया जाए, क्योंकि अब अपने पास अच्छा आर्मर भी नहीं है एंड सड़े से टूल से एंड आयरन अपने लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला था। इसलिए एक आयरन फार्म बनाने के लिए मैंने अपनी फटाफट से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। बट साथ ही आयरन फार्म के लिए मुझे जो है सोल सैंड की भी जरूरत थी, इसलिए मैं अपने पोर्टल को रिपेयर करने में लग गया जिसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। एक क्राइंग ऑब्सिडियन को तोड़ते तोड़ते मेरी हालत खराब हो चुकी थी, बट फाइनली काफी देर की मेहनत करने के बाद मैंने अपने पोर्टल को रिपेयर करके लाइट अप कर दिया। एंड उसके बाद गाइस मैं सीधा निकल गया नेदर से सोल सैंड लाने के लिए। नेदर में स्पॉन होते गाइस मैं लिटरली काफी ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि हमारा पोर्टल जस्ट फोर्ट्रेस के बीचों बीच स्पॉन हुआ था एंड ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। एंड फोर्ट्रेस से जैसे तैसे बाहर निकलते गाइस फाइनली मुझे एक जगह पे यहाँ पे काफी सारे सोल सैंड दिख गए जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड फाइनली मैंने अपना तगड़ा वाला आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड अपना फार्म बन जाने के बाद गाइस मैं यहाँ पे काफी देर तक एएफके रहने लग गया ताकि मैं देख सकूं मेरा फार्म कितने अच्छे से काम कर रहा है एंड यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होने के बाद अपने पास कितना सारा आयरन कलेक्ट हो रहा है। एंड काफी देर तक एएफके करने के बाद गाइस जब मैंने अपनी चेस्ट को चेकआउट किया तो मैंने देखा मेरे पास काफी सारा आयरन हो चुका है, मतलब लिटरली अपना फार्म काफी अच्छे से काम कर रहा है। कुछ ही टाइम में अपने को यहाँ से काफी सारा आयरन मिल चुका था जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने एक एक करके अपने सारे आयरन के टूल्स एंड अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर बना लिया। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था। Nice. एंड मेरा खाना ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था, इसलिए यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत एनिमल्स थे मैंने उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे उनसे थोड़ा बहुत फूड मिल सके। एंड थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करने के बाद मैंने सारे फूड को अपने फर्नेस में कुक करने के लिए रख दिया। एंड उसके बाद मैं अपने रुइन पोर्टल के पास पहुंचा, वहां से मैंने सबसे पहले यहाँ से गोल्ड के ब्लॉक को ले लिया। एंड मैं सीधे निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। अपने फोर्ट्रेस से बाहर निकलते गए मैंने देखा कि अपने फोर्ट्रेस के पास ही में यहाँ पे एक वार्प फॉरेस्ट था, तो उसी की हेल्प से मैंने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने लिए एक गोल्ड के बूट्स बना लिए। एंड अब अपने पास लकड़ियों की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी, तो मैंने यहाँ से एक
एक करके भर भर के काफी सारे लॉक्स को चॉप कर लिया। एंड यहाँ से गाइस थोड़ा आगे बढ़ते ही फाइनली मैंने देखा कि हमारे जस्ट सामने यहाँ पे था काफी बड़ा सा ब्लैकस्टोन बैस्टियन, जिसमें से हमें काफी अच्छी अच्छी लूट मिल सकती थी। इसलिए मैं बैस्टियन के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे चेस्ट मिली, जिसके आसपास मैंने एक वॉल बना दिया ताकि मुझे पिगड़ी मार ना सके। एंड उसके बाद मैंने चेस्ट को चेकआउट किया, जिसमें से मुझे काफी अच्छा अच्छा सामान मिला। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली, जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे एक क्रॉस बो, कुछ बोन के ब्लॉक्स, एक आयरन का ब्लॉक और कुछ एरोज मिल गए। एंड उसके बाद मैं सीधा नीचे मेन मार के पास आ गया। एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ से एक एक करके सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को बटोरना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे टोटल दो चेस्ट थी, जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे एक डायमंड के बूट्स, एक नेदरराइट का इंगट, कुछ आयरन मिल गए। एंड दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे एक और एक डायमंड का बूट्स, एक नेदरराइट का इंगट और कुछ और आयरन मिल गए। एंड उसके बाद थोड़े बहुत और आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसमें से गाइस मुझे यहाँ पे एक डायमंड की पिकैक्स मिल गई। फाइनली अब अपने पास एक डायमंड की पिकैक्स आ चुकी थी। एंड थोड़े बहुत और लूटपाट मचाने के बाद अपने पोर्टल के जरिए मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। अपने विलेज में पहुंचते मैंने सबसे पहले मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड गाइस अब मेरे पास खाने की काफी ज्यादा कमी हो रही थी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 16 कैरेट्स और कुछ 11 पॉक चॉप ही थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए तगड़ा वाला फूड फार्म भी बना दिया जाए। एंड उसे बनाने के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान था, मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़े से वार्प फंगस की जरूरत थी एंड साथ ही कुछ एंडर पर्ल की जरूरत थी ताकि मैं बेडरॉक के ऊपर जा सकूं। एंड सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बाद फाइनली मैंने अपना फूड फार्म भी बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड अपने हॉगलैंड फूड फार्म को भी टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे भी काफी देर तक एएफके रहने लग गया, ताकि मैं देख सकूँ अपना फार्म कितने अच्छे से काम कर रहा है एंड ये अपने को कितना आउटपुट दे रहा है। एंड यहाँ पर भी गए थोड़ी देर एएफके रहते, जब मैंने अपनी चेस्ट को चेकआउट किया तो मैंने देखा यहाँ पे ऑलरेडी 3 स्टैक ऑफ पोर्क चॉप एंड साथ ही काफी सारा लेदर आ चुका था। एंड अब अपने को फाइनली खाने की कमी कभी नहीं होने वाली थी। एंड उसके बाद मैं आ गया था नेदर में। एंड नेदर में पहुंच के मैं जितना भी गोल्ड कलेक्ट करके लेके आया था बैस्टियन से, उसे मैंने सारे पिगलिंस को देना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसके बदले वो हमें काफी अच्छा अच्छा सामान दे सके। एंड काफी देर तक काफी सारे गोल्ड को लुटा लेने के बाद मेरे पास करीब कुछ इतना सारा सामान आ चुका था, जहाँ पे मेरे पास काफी सारे एंडर पर्ल्स थे, काफी सारे एरोस थे, पोशंस थे। एंड उन पोशंस को लेके मैं सीधा आ गया था फोर्ट्रेस में, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने की। अपने फोर्ट्रेस में थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे कुछ गोल्ड, कुछ नेदर वॉट और एक आयरन मिल गया। आगे एक और चेस्ट में से मुझे कुछ और गोल्ड मिल गए। एंड नीचे उतरते मुझे यहाँ से भर भर के काफी सारे नेदर वॉट्स मिल गए, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया। ये अपने को फ्यूचर में पोशंस बनाते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर भी मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे ब्लेजेस को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि मुझे इनसे इनफ ब्लेज रॉड मिल सके एंड हम फाइनली एंडर ड्रैगन को हरा सके। एंड एंडर ड्रैगन के साथ साथ मुझे विदर को भी हराना था, तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे स्केलेटन्स को मारने लग गया, ताकि वो लोग अपना थोबड़ा यानी कि स्कल ड्रॉप कर सके। एंड ऐसे गए आगे काफी देर तक काफी सारे स्केलेटन्स को मारने के बाद फाइनली एक स्केलेटन ने अपना थोबड़ा यानी कि स्कल ड्रॉप कर दिया था। एंड मैं लगे रहा क्योंकि मुझे दो और स्कल की जरूरत थी, इसलिए काफी देर तक कुटाई करने के बाद मेरे पास टोटल 4 विदर स्कल्स आ चुके थे, जिसे लेके मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। एंड अभी गए मेरे आयरन के आर्मर की हेल्थ काफी ज्यादा खराब थी, वो ऑलमोस्ट टूटने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर ट्रेड किया जाए। इसलिए विलेज के सारे बेड्स उठा के मैंने बीच में लगा दिए। एंड मेरे पास जितने भी वर्क स्टेशन थे, जैसे कि फ्लैचिंग टेबल, कोल्ड ड्रॉन, ब्रूइंग स्टैंड, मैंने सब लगा दिया, ताकि सारे विलेजर अपना काम पकड़ सके एंड इनसे हम ट्रेडिंग कर सके। सारे विलेजर को काम देने के बाद मैं आ गया था नेदर में काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए, ताकि इनका स्टिक बना के मैं फ्लेचर को बेच के काफी सारे एमराल्ड कमा सकूं। एंड मैं सिर्फ स्टिक ही नहीं, और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि अपने आयरन फार्म से काफी सारा आयरन एंड अपने हॉगलैंड फार्म से काफी सारा लेदर कलेक्ट करके लेके आ गया था ट्रेडिंग करने के लिए। एंड सबसे पहले मैंने फ्लेचर को पकड़ा एंड उसे मैंने एक एक करके सारे स्टिक्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। वो काफी ज्यादा महंगा भी बेच रहा था, बट अपने पास कोई और ऑप्शन था नहीं। एंड मेरे पास जितना भी लेदर था वो मैं लेदर वाले वर्कर यानी कि अपने कोल्डन वाले भैया को बेच रहा था। एंड थोड़े बहुत एमराल्ड कमा लेने के बाद मैंने अपने टूल्स मिथ से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो अपने ट्रेड को अपग्रेड कर सके एंड अपने को काफी अच्छे टूल्स दे सके। एंड लगे हाथ में वेपन स्मिथ की भी ट्रेड को अपग्रेड कर रहा था, ताकि वो भी अपने को कुछ डायमंड के टूल्स दे सके। एंड ऐसे गाइस कई दिन स्पेंड करके मैं सिर्फ और सिर्फ स्टिक्स बेच के, आयरन बेच के, लेदर बेच के मैं एमराल्ड कमाते जा रहा था एंड अपने टूल्स मिथ और वेपन स्मिथ की ट्रेड को
अपग्रेड करते जा रहा था। 3000 years later एंड फाइनली काफी देर तक मेहनत करने के बाद हमारी मेहनत रंग लाई एंड अपने को टूल्स में एक डायमंड की एक्स और एक डायमंड की शॉवल दे रहा था जिसे मैंने ले लिया एंड उसी से थोड़ा बहुत और ट्रेड करके जब मैंने उसे मास्टर बनाया तो लकीली वो हमें डायमंड की पिकैक्स भी दे रहा था जिसपे काफी अच्छी इंचमेंट थी, मैंने उसे भी ले लिया। एंड फाइनली अपने वेपन स्मिथ को भी मास्टर बना देने के बाद वो भी हमें डायमंड की स्वॉर्ड दे रहा था, बट अपने पास अभी भी कोई भी आर्मर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे एक बंदे को आर्मरर बनाया एंड उसे भी एक्सपर्ट बना देने के बाद फाइनली वो हमें डायमंड की लेगिंग्स और एक डायमंड के बूट्स दे रहा था। एंड ऐसे गाइस उससे भी ट्रेड करते करते फाइनली वो भी मास्टर हो चुका था एंड अब फाइनली वो हमें फुली डायमंड का आर्मर भी दे रहा था। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था एंड अभी हमें एक एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करना था बट मेरे पास इनाफ बुक्स थे नहीं। एंड तभी मैंने देखा यहाँ पे एक लाइब्रेरियन था जो कि अपने को बुकशेल्फ बेच रहा था एंड क्या पता ये अपने को महंगा क्यों बेच रहा था। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया इसलिए थोड़े बहुत एमराल्ड्स कमा के मैंने उससे इनाफ बुकशेल्फ परचेस कर लिए एंड उसके बाद मेरे पास जो बुक्स थे उसका भी बुकशेल्फ बना के मैंने उसे फटाफट से सेटअप कर दिया, बट मेरे पास अभी एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए डायमंड्स बिल्कुल नहीं थे इसलिए मैं ऐसे सीधा निकल गया एक विलेज को ढूंढने के लिए जहाँ पे हो सकता है एक वेपन स्मिथ के घर से हमें कुछ डायमंड्स मिल जाए। एंड काफी देर तक भटकने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था जहाँ पे लकीली एक वेपन स्मिथ का भी घर था। एंड जैसे गाइस मैंने अंदर जाके चेस्ट को चेकआउट किया फाइनली मुझे ऐसे दो डायमंड, कुछ ऑब्सिडियन, एक आयरन की पिकैक्स, एक सैडल और एक आयरन का हेलमेट मिल गया। एंड उसके बाद लाइब्रेरियन से कुछ और बुकशेल्फ लेके उसका बुक्स बना के मैंने फाइनली फटाफट से अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया एंड उसे लगा के मैंने अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप भी कर दिया। एंड एन्चेंटिंग करने के लिए तो अपने को एक्सपी की जरूरत थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए बढ़िया सा एक्सपी फार्म बना दिया जाए जहां से हमें इनफ एक्सपी मिल सके एंड उसकी हेल्प से हम अपने सारे टूल्स और आर्मर को एन्चेंट कर सके। इसलिए मैंने ऐसे काफी सारे कोबलस्टोन को माइन कर लिया एंड अपना बेसिक सा एक्सपी फार्म भी बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड अब अपना एक्सपी फार्म भी यहाँ पे बनके रेडी हो चुका था एंड अपने क्लेरिक वाले भाई से मैंने यहाँ से कुछ लैपिस लजुली भी ले लिया था एंड मेरे पास इनाफ ऑलरेडी एक्सपी थी जिसकी हेल्प से मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया। बट मैंने अपने चेस्ट प्लेट को एन्चेंट नहीं किया, उस पर मुझे काफी बेकार सी एन्चेंटमेंट मिल रही थी एंड उसके बाद मैंने अपने टूल्स को भी एन्चेंट कर दिया बट अनफॉर्चुनेटली उस पर भी मुझे काफी बेकार सी एन्चेंटमेंट मिल रही थी इसलिए मैं बार बार डिसएन्चेंट करके एन्चेंट करते जा रहा था, अपने क्लेरिक वाले भाई से लैपिस लजुली लेते जा रहा था बट स्टिल मुझे कुछ भी अच्छा खास नहीं मिल रहा था। एंड अब मेरी एक्सपीज भी खत्म हो गई थी इसलिए मैं आ गया था अपने एक्सपी फार्म में एंड वहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ पे एक एक करके सारे मॉब्स को मार के इनाफ एक्सपीज को कलेक्ट करने लग गया। एंड इनाफ एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने फिर से सारे टूल्स को एन्चेंट कर लिया एंड फिर से मुझे बेकार सी एन्चेंटमेंट मिली। बट फाइनली बार बार डिसएन्चेंट करके एन्चेंट करने के बाद मुझे अब अपने सारे टूल्स पे काफी तगड़ी वाली एन्चेंटमेंट मिल चुकी थी, लेकिन अब बारी आ चुकी थी अपने आर्मर को और भी ज्यादा तगड़ा बनाने की यानी कि नेथराइट में कन्वर्ट करने की। एंड अपने पास तो एंशिएंट डेब्रिस की कमी बिल्कुल भी नहीं थी तो मैंने ऐसे भर भर के काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस को माइन कर लिया एंड काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के बाद मैंने उसे फटाफट से अपने ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड उसे गोल्ड में मिला के मैंने काफी सारे नेथराइट के इंगट बना दिए जिसकी हेल्प से मैंने फटाफट से अपने पूरे आर्मर और टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपने पास एक तगड़ा फुली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर भी आ चुका था, लेकिन अभी भी अपने पास कोई भी घर नहीं था एंड इस घर को बनाने के लिए मुझे काफी सारे ओक लॉक्स की जरूरत थी इसलिए यहाँ पे जितने भी मैंने ट्रीज को लगाए थे मैंने सबसे पहले वहां से सारे लॉक्स को चॉप कर लिया, बट ये ट्रीज इनाफ नहीं थे, मुझे काफी सारे लॉक्स की जरूरत थी इसलिए मुझे जो भी सैपलिंग मिलते जा रहे थे एंड मेरे पास काफी सारे बोन के ब्लॉक्स भी थे उनका बोन मिल बना बना के मैं ट्रीज को ग्रो करते जा रहा था एंड मैं लॉक्स को चॉप करते जा रहा था। एंड साथ ही थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए मुझे ब्लू वाली लकड़ी की भी जरूरत थी इसलिए मैं आ गया था नेदर में वार्फ फॉरेस्ट में काफी सारे लॉक्स को चॉप करने के लिए एंड साथ ही मुझे क्वार्ट्ज की भी जरूरत थी इसलिए मैंने ऐसे काफी देर तक काफी सारे क्वार्ट्ज को माइन कर लिया क्योंकि मुझे क्वार्ट्ज के ब्लॉक की जरूरत थी। एंड सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बाद फाइनली मैंने अपना प्यारा सा घर बनाना स्टार्ट कर दिया।
एंड हाँ गाइस, जो मैंने घर में ग्लास लगाया था वो मैंने लाइब्रेरियन से ट्रेड करके लिया था, सो कोई भी क्रिएटिव नहीं बोलेगा। एंड फाइनली गाइस, अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की, इसलिए मैंने काफी सारे ब्लेस पाउडर बना के उसके हेल्प से काफी सारे आई ऑफ एंडर बना लिए। एंड बाहर निकलते गाइस मुझे यहाँ पे काफी प्यारा सा हॉर्स दिखा एंड मेरे पास कुछ गोल्डन कैरेट थे जिसे मैंने उसे खिला दिए। एंड उसके बाद मैंने उस पर बैठने का ट्राई किया एंड दूसरा ट्राई करते ही फाइनली वो अब अपना फ्रेंड बन चुका था एंड मेरे पास सैडल भी था। एंड लकीली इसके लिए मेरे पास एक तगड़ा वाला डायमंड का आर्मर भी था जिसे मैंने उसे पहना दिया। एंड उसके बाद आई ऑफ एंडर फेंक के गाइस मैं अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड की डायरेक्शन को ढूंढने लग गया जो कि अपने घर के जस्ट पीछे की तरफ जा रही थी, इसलिए ऊपर चढ़ के मैंने सबसे पहले अपने आई ऑफ एंडर को कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद अपने हॉर्स पे बैठ के गाइस मैं यहाँ से सीधे निकल गया अपने स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढने के लिए। एंड ऐसे गाइस मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कहीं से ऊपर से पानी आ रहा है। एंड जैसे मैंने ऊपर को चेकआउट किया गाइस मैंने देखा ऊपर हमारे जस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्गहोल्ड था, वो भी एक ओपन स्ट्रॉन्गहोल्ड। एंड ये पहले नहीं हुआ करता था बट अब फाइनली हम फ्लैट वर्ल्ड में भी एंडर ड्रैगन को हरा सकते थे। एंड उसके बाद बड़े प्यार से पानी के सहारे में फाइनली स्ट्रॉन्गहोल्ड में पहुंच चुका था एंड यहाँ से काफी इजीली मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल का भी रूम मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके फटाफट से सारे आई ऑफ एंडर को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल गया एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड मैं पहुंचते गए अपनी तगड़ी वाली बो की हेल्प से मैंने बिना देरी करते हुए एक एक करके यहाँ से सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे गए सारे क्रिस्टल फूट चुके थे जैसे ही एंडर ड्रैगन नीचे आया मैंने उस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो रही थी। एंड ऐसे में उस पर अटैक कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसने मुझे एकदम ऊपर उछाल दिया एंड आपके भाई ने यहाँ पे तगड़ी वाली MLG कर दिया। एंड उसकी हेल्थ एकदम कम हो चुकी थी एंड वो मरने भी वाला था। एंड कुछ ही अटैक करते ही वो मर भी गया बट मरते मरते भी उसने मुझे एकदम ऊपर उछाल दिया एंड यहाँ पे भी मैंने एक तगड़ी वाली MLG कर दिया। एंड इसी के साथ फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को भी हरा दिया था। एंड अब बारी आ चुकी थी वीदर को भी हराने की, इसलिए मैं अपने लिए यहाँ पे कुछ पोशन बनाने लग गया एंड मैं साथ ही रीजनरेशन वाला भी पोशन बना रहा था जिसके लिए घास टेयर में जाके नेदर में घास को मार के लेके आया। एंड थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के बाद मैं नेदर के बेडरॉक के ऊपर आ चुका था एंड यहाँ पे मैंने विदर के यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना दिया था। एंड उसके बाद अपने सारे पोशंस को पी के फाइनली एक लास्ट का लगा के मैंने यहाँ पे विदर को स्पॉन कर दिया था। एंड अब आप एंजॉय करो मेरे विदर के साथ फाइट को। एंड काफी इजी तरीके से थोड़े बहुत और अटैक करके मैंने फाइनली विदर का भी गेम यहाँ पे खत्म कर दिया था। एंड अपने लाइब्रेरियन से थोड़े बहुत और ग्रास लेके मैंने फाइनली अपने लिए एक बीकन भी बना दिया। एंड गाइस मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने लिए एक फुल्ली मैक्स नेथरेट का बीकन बनाऊंगा जिसके लिए मेरे पास एंशिएंट डेब्रिस की तो कमी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए कई दिन स्पेंड करते हुए मैंने भर भर के काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने लग गया। एंड काफी देर तक सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद मैंने उसे एक एक करके अपने सारे फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड तभी गाइस मुझे याद आया कि हमें एंशिएंट डेब्रिस के साथ ही काफी सारे गोल्ड की भी जरूरत होगी ताकि हम फाइनली अपने लिए नेथरेट का बीकन बना सके, बट इतना सारा गोल्ड अगर मैं माइन करने जाऊँ तो उसमें काफी ज्यादा टाइम चले जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया एंड मैंने सोचा क्यों ना नेदर में जाके सारे बैस्टियन को लूटा जाए, वहां से हमें इजीली काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। एंड सारे बैस्टियन को ढूंढने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे चंग बेस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल किया, तो इसको कोई भी चीटिंग नहीं बोलेगा। एंड ऐसे गाइस बैस्टियन को ढूंढते ढूंढते मैं सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को कलेक्ट करते जा रहा था एंड ये मेरा प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा था क्योंकि मुझे बैस्टियन से इजीली भर भर के काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स मिल जा रहे थे। एंड फाइनली गाइस काफी देर की तगड़ी मेहनत करने के बाद मैंने एक एक करके अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को नेथरेट के इंगट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड सारे नेथरेट के इंगट को ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद गाइस मेरे पास टोटल 80 ब्लॉक्स ऑफ नेथरेट हो चुके थे जो कि स्टिल कम थे, बट अभी के लिए हमें एक खोखला ही बीकन बनाना पड़ेगा। एंड उसकी हेल्प से गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए एक फुल्ली मैच नेथरेट का बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं अंदर से तो फील नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास इतने दिन थे ही नहीं एंड यहाँ पे मुझे 100 डेज से भी ज्यादा टाइम लग गया। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज इन एन एंशिएंट डेब्रिस ओनली वर्ल्ड, वो भी हार्डकोर में, जिसमें गाइस मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आप इस वर्ल्ड का 200 डेज देखना चाहते हो तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूं 7000 लाइक्स का। अगर आपको 200 डेज देखना है तो फटाफट से 7000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। सो मिलते गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।